and modify. Stop, drop it low, but pick it up carefully. Work them glutes like you in physical therapy. Assalamu alaikum viewers. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमार काकड़ है और प्रोफेशनली मेरा ताल्लुक़ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी से है। मैंने ये चैनल बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस की कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना, चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी फिजियोथेरेपी से है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चैनल के थ्रू मैं अपने व्यूवर्स को तमाम मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मेरी अपनी नॉलेज है और जितने बुक्स पढ़ के या इंटरनेट से या कहीं से भी जहाँ से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँ और मैं अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकूँ। मेरा ये चैनल बनाने का बेसिक मतलब ये है कि मैं फिजियोथेरेपी के बारे में बेसिकली सबसे फर्स्ट अवेयरनेस दे सकूँ। उसके अलावा वो स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट जो इस फील्ड में नए हैं या जो मेडिकल के फील्ड में नए हैं, मैं उनकी इस वीडियोज़ के थ्रू अपनी उनकी मदद कर सकूँ। तो चूँकि ये चीज़ मैंने ख़ुद बहुत महसूस की है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में के जो यूट्यूबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे मेडिकल की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं भी यही चीज़ उर्दू में अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकूं। उसके अलावा ऐसे हमारे पास जो हमारी आवाम हैं उनमें कुछ इंजरीज़ हैं, कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती है या डिजीज़ होती हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने व्यूवर्स को और आम आवाम को उनको उनकी बीमारी के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि उनको पता तो चले कि हमारी जो बीमारी है वो किस हद तक है या किस तरह की बीमारी है, ताकि उस बेस पर वो एक प्रिकॉशनरी अपने लिए लाइफस्टाइल सेट कर सके। उसके अलावा मेरी पूरी कोशिश होगी, चूँकि फिटनेस और मेडिकल आजकल बहुत एक अलग से कैटेगरी बन चुकी है, एक बहुत फोकस किया जाता है, ख़ास तौर बाहर ममालिक में अमेरिका, जर्मनी, उस वगैरह में बहुत फोकस रहा है इस चीज़ों पर। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ को, डिफॉर्मिटीज़ को और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो मेरे पास, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हो मेरे पास या नॉलेज हो मेरे, जो इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूँगा इंटरनेट को यूज़ करके, बुक्स को, और कोशिश मेरी ये होगी कि मैं एविडेंस बेस्ड चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। इसी तरह व्यूवर्स, मेरे चैनल का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने आप को ख़ुद डायग्नोज करें या मेरे चैनल को की वीडियो देखकर आप अपने आप की इंजरी या जो डिफॉर्मिटी या जो डिज़ीज़ हुई है, जो आपको काज हुई है, उसको आप ख़ुद ही डायग्नोसिस करें। मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि इंसान की जो बॉडी सिस्टम है या जो बॉडी है वो इंतहाई कम्प्लेक्स सिस्टम पर मबनी है, और ऐसे कई बीमारियां हैं जिनके साइन एंड सिम्टम्स या जिनके अलामत एक जैसे होते हैं। तो आप एक डॉक्टर से, एक कंसर्न पर्सन से, एक फिजियोथेरेपिस्ट से अपने आप का चेकअप ज़रूर करवाएं और जो प्रोटोकॉल या जो ट्रीटमेंट वो आपको प्रोवाइड करते हैं उसी को आप फॉलो करें। मेरा चैनल आपको एक आगाही देने मैं आपको एक आगाही दे सकूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने स्टार्ट में 3 मेन कैटेगरीज की जिक्र किया था, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि किन पर्सन्स को या कौन से करेक्टर्स हैं जिनको मेरे इस चैनल से फ़ायदा हो सकता है। तो उनमें सबसे पहले मैं अगर ज़िक्र करूँ तो उसमें मैं पेशेंट जो हैं हमारे यहाँ, तो मैं इस चैनल के थ्रू आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड है, जिसमें मसल्स हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब मेनली जितना है, बोन्स हैं, अच्छा इसके अलावा वेस्कुलर हैं, ऑर्गन, विजरल जो सिस्टम है हमारा, अच्छा अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बताना चाहूँ हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ इन चीज़ों को फटों, जॉइंट्स जिसको हम कहते जोड़ों के बीमारियाँ, या जो कमर का दर्द, या इसके अलावा अगर हम दिमागी मसले देखें, पेडियाट्रिक्स जिसको हम कहते हैं बच्चों से रिलेटेड, जेरियाट्रिक्स बड़ों बूढ़ों से रिलेटेड जितने भी मसले हैं, मैं इस चैनल के थ्रू आपको बताऊँगा। अच्छा, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, स्टूडेंट कैटेगरी है जिसके लिए मैंने ये मेनली ये चैनल बनाया है, बताते खुद मुझे बुक से पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा वीडियो से पढ़ने से फ़ायदा होता था, और मैंने ये चीज़ एक हेल्पफुल महसूस की। मैंने कहा क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं या कहीं के भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको इस चैनल के थ्रू, इस वीडियोज़ के थ्रू उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो तमाम वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल से रिलेटेड हैं, तो मैं उनसे उनको ये बताना पसंद करूँगा कि मैं इस चैनल के थ्रू आपको एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोपल्मोनरी,
मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स। अच्छा, उसके अलावा तमाम जितने मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा उस पर आपको लेक्चर दे सकूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट्स से मेरा वादा है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो प्रोडक्ट दे सकूं, या उनको मैं वो डाटा प्रोवाइड कर सकूं, ताकि उनको एग्ज़ाम में बेस्ट मार्क्स मिल सकें। अच्छा, इसके अलावा मैं इस चैनल के थ्रू जो एक मेरा मेन फोकस होगा, मैं एविडेंस बेस्ड एंड रिसर्च बेस्ड चीज़ प्रोवाइड करूँगा। तो अच्छा, इसके अलावा मेरी कोशिश होगी जो हमारे थर्ड कैटेगरी है, स्पोर्ट्स प्लेयर्स जितने हैं या स्पोर्ट्समैन जितने हैं, मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं उनके लिए अवेयरनेस, उनकी अवेयरनेस के लिए उनकी इंजरीज जितनी हैं, उनकी स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड जितने उनको जो चीज़ उनको फ़ायदेमंद है, जो चीज़ उनको नुकसानदेह हैं, या उनके मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है, आप उनको बताइए कि कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो बंदे को डिसेबिलिटी की तरफ लेके जाती हैं, तो उसमें प्रिकॉशंस आपको लेना, एक स्पोर्ट्समैन को लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इस चैनल के थ्रू आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करूँगा।